अगर आप अपने सवालों का जवाब जानना चाहते हैं और हमसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो कीजिए हमारे इंस्टाग्राम पेज एंड्रॉइड रश को फॉलो, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आप बहुत सारे व्यूअर्स मुझसे पूछते हो कि भाई रेडमी नोट 5 को MIUI 10 का अपडेट कब मिलेगा, ओरियो का अपडेट कब मिलेगा, क्या ऐसे पोर्ट्रेट मोड मिलेगा। तो आज इस वीडियो में मैं रेडमी नोट 5 के अपडेट के रिलेटेड सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो अगर आप यूज करते हैं Xiaomi का रेडमी नोट 5 तो ये वीडियो पूरा देखिए। बात करूं Xiaomi का जो Redmi Note 5 है वो फोन लॉन्च हुआ था फरवरी के महीने में 2018 में, एंड वो लॉन्च किया गया था MIUI 9.5 बेस्ड ऑन Android 7.1.2 नोकर। रिसेंटली Redmi Note 5 को एक अपडेट मिला जिसका वर्जन था MIUI वर्जन 9.6.2.0, जो कि 225 MB का अपडेट था। जो Xiaomi का Redmi Note 5 है वो मैक के सिक्योरिटी पैच अपडेट पर रन कर रहा है। अभी आपके बहुत से सवाल है क्या ऐसे MIUI 10 का अपडेट या ओरियो का अपडेट देखने को मिलेगा। अगर मैं क्लियरली बात करूं तो जो Xiaomi की Redmi सीरीज होती है उनको सिर्फ एक मेजर OS अपडेट देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई Redmi सीरीज का फोन लॉन्च होता है मार्च महीने तो उसको सिर्फ नोगट का अपडेट मिलेगा, ना कि ओरियो का। तो जो Xiaomi का Redmi Note 5 है वो लॉन्च हुआ है Android 7.1.2 नोगट पे, तो उसको डेफिनेटली इधर Android 8.1 ओरियो देखने को मिलेगा। अभी हाल ही में Reddit पर, जो कि एक सोशल डिस्कशन वेबसाइट है, Xiaomi ने उधर पोस्ट किया था कि इन फोन्स को इन Android वर्जन के साथ MIUI 10 का अपडेट देखने को मिलेगा। जैसे कि आप इधर स्क्रीन पर देख सकते हैं Redmi Note 5 का नाम है इधर, और Redmi Note 5 को इधर MIUI 10 के साथ Android 8.1 ओरियो देखने को मिलेगा। डेफिनेटली ओरियो का अपडेट देखने को इधर मिलेगा। अब चलिए इधर बात करते हैं MIUI 10 के अपडेट के बारे में। तो MIUI 10 का भी अपडेट आपको इधर Redmi Note 5 में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं पोर्ट्रेट मोड के बारे में। तो Xiaomi ने जिस दिन MIUI 10 लॉन्च किया था उस दिन एक पोर्ट्रेट मोड की लिस्ट रिलीज की थी, ये लिस्ट आपके सामने है। पर Xiaomi Redmi Note 5 के साथ इधर कोई धोखा हो गया है, क्योंकि आप जैसे कि इधर लिस्ट में देख सकते हैं कि Xiaomi का जो Redmi Note 5 का नाम है वो सिर्फ फ्रंट कैमरा के लिस्ट में है, ना कि रियर कैमरा में। ये 10 का जिस दिन लॉन्च इवेंट हुआ था उस दिन Redmi Note 5 का एक सैंपल जारी किया गया था रियर कैमरा के साथ, पोर्ट्रेट मोड के साथ, जो कि आप इधर स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सैंपल Redmi Note 5 के रियर कैमरा से खींचा गया है MIUI 10 के बाद। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि Xiaomi ने ऐसा क्यों बोला है कि Redmi Note 5 को सिर्फ फ्रंट कैमरा में पोर्ट्रेट मोड देखने को मिलेगा। आई थिंक एक्सपेक्टेड है कि यार इसको इधर बहुत से चांसेस है कि Xiaomi के Redmi Note 5 को इधर इधर पोर्ट्रेट मोड देखने को मिलेगा। अब इधर बात करते हैं फेस अनलॉक के बारे में। तो फेस अनलॉक के इतने कंफर्मेशन नहीं कि Xiaomi ने कोई लिस्ट तो नहीं बनाई है, और ये भी कंफर्मेशन नहीं है कि जिन फोन्स को इधर MIUI 10 का अपडेट देखने को मिलेगा तो उनको फेस अनलॉक का सपोर्ट देखने को मिलेगा। एक्सपेक्टेड है कि MIUI 10 के साथ Redmi Note 5 को इधर फेस अनलॉक का सपोर्ट देखने को मिल जाए। अब चलिए इधर बात करते हैं MIUI 10 का बीटा अपडेट Redmi Note 5 को कब देखने को मिलेगा। हाल ही में Xiaomi ने इधर पब्लिक बीटा अपडेट का स्केड्यूल रिलीज किया है। जैसे कि आप इधर स्केड्यूल स्क्रीन पर देख सकते हैं Redmi Note 5 का नाम सबसे पहले पेज में है, मतलब हम इधर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में Redmi Note 5 को इधर MIUI 10 का बीटा अपडेट देखने को मिलेगा। अगर आप ग्लोबल बीटा वर्जन पे रन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको MIUI 10 का बीटा अपडेट देखने को मिलेगा। अब चलिए बात करते हैं स्टेबल अपडेट के बारे में। तो MIUI 10 का स्टेबल अपडेट ऑब्वियसली सितंबर में उसका स्केड्यूल रिलीज होगा। अक्टूबर नवंबर दिसंबर के टाइम पे Redmi Note 5 को इधर MIUI 10 का स्टेबल अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो यही कुछ वीडियो था Redmi Note 5 यूजर्स के लिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा अगर आप एक Redmi Note 5 के यूजर हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो Redmi Note 5 के MIUI 10 एंड Android ओरियो अपडेट से रिलेटेड आपको ज्यादा जानकारी लेनी है, मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है जिधर आप ज्यादा से ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। बात करूं पब्लिक बीटा अपडेट के बारे में MIUI 10 के बारे में, तो उसकी भी एक आर्टिकल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है जिधर आप विजिट करके MIUI 10 के पब्लिक बीटा स्केड्यूल के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।